अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू रिज़वी किचन। कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल हैव सब्सक्राइब माय चैनल, एंड जिन्होंने नहीं किया है जस्ट डू इट नाउ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट, एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफाइड। रिज़वी किचन में आज हम बनाएंगे ड्राई वेज मंचूरियन, और जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो ये हैं जो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी। सबसे पहले मैंने एक मीडियम साइज्ड कैबेज ली है जिसे मैंने चॉपर में चॉप किया है। आप चाहें इसे मिक्सी में भी ग्राइंड कर सकते हैं या ग्रेट भी कर सकते हैं। नाउ ऐड करेंगे इसमें सॉल्ट, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, बट ध्यान रहे कि हमें आगे ग्रेवी में भी ऐड करना है। 1/4 teaspoon गरम मसाला एंड 1/2 teaspoon जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे, एंड मिक्स करने के बाद नाउ ऐड करेंगे 2 teaspoon मैदा एंड 2 teaspoon कॉर्नफ्लावर। इसे हमें मैदे और कॉर्नफ्लावर के साथ अच्छे से मिक्स करके एक डो बनाना है। मैदा और कॉर्नफ्लावर हम एक साथ नहीं ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा ऐड करके इसमें मिक्स करते रहेंगे, क्योंकि कैबेज भी पानी छोड़ता है, तो हम एक साथ मिक्स नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे। देखें इस तरीके से। ऑयल मैंने ऑलरेडी रख दिया है गरम होने के लिए, एंड डो भी रेडी है। नाउ हम बॉल्स बनाएंगे। जस्ट हमें इसके बॉल्स बनाने हैं। अगर स्टिकी लग रहा है तो आप बॉल्स बना के इसे ड्राई फ्लावर में थोड़ा सा इस तरीके से रब कर लें। मंचूरियन बेसिकली इट्स अ इंडो चाइनीज कुजीन जो बहुत ही पसंद किया जाता है। आई तो लव दिस। देखें इस तरीके से हम ये सारे बॉल्स बना लेंगे, एंड मैंने सिर्फ कैबेज यूज़ किया है, क्योंकि बिलीव मी, आप भी अगर सिर्फ कैबेज के साथ ट्राई करेंगे विदाउट एनी अदर लाइक वेजिटेबल्स, बहुत ही यमी बनेगा। तेल गर्म हो चुका है, इसमें हम बॉल्स ऐड करेंगे एंड डीप फ्राई। देखें एंड सारे ही बॉल्स को हमें अच्छे से ब्राउन होने तक कुक करना है, एंड इसे बीच बीच में चलाते रहना है। देखें इस तरीके से आप इसे चलाएंगे ताकि ये हर साइड से ब्राउन हो जाए। देखें ये मैंने पहले डाल के चेक किया था कि ऑयल गर्म हुआ है या नहीं। नाउ हम इन्हें कुक करेंगे। मेक श्योर कि तेल आपका गर्म होना चाहिए, बिल्कुल धुआंदार। देखें इस तरीके से हम इसे चलाएंगे तो ये हर साइड से ब्राउन होता जाएगा। बाकी बॉल्स भी हमने बना लिए हैं। इसमें मैंने मैदा जो है वो रोल नहीं किया है, क्योंकि आई थिंक ये ऐसे ही हो जाएंगे। देखें ये हो गए हैं, इन्हें हम निकाल लेते हैं। एक मीडियम कैबेज में तकरीबन 17 से 18 बॉल्स बने हैं, तो 4 लोगों के लिए ये सफिशिएंट है। देखिए ये हमने ब्राउन कर लिए हैं। अब हम लगाएंगे इसमें चाइनीज तड़का। ऑयल लेंगे, मैंने ऑलिव ऑयल लिया है, आप नॉर्मल कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। जस्ट 2 teaspoon के तकरीबन ऑयल, एंड नाउ ऐड करेंगे ढेर सारा गार्लिक। चाइनीज़ में गार्लिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एक मैंने पूरा गार्लिक चॉप किया है। सौते फॉर अ वाइल, एंड नाउ ऐड करेंगे चॉप्ड जिंजर 1 inch के तकरीबन। तीन से चार ग्रीन चिली स्लिट की हुई, सीड्स मैंने निकाल दिए हैं, एंड 1 medium size चॉप्ड अनियन। सारी ही चीज़ों को हम अच्छे से सौते करेंगे। एंड नाउ ऐड करेंगे कैप्सिकम।
कैप्सिकम को भी मैंने चॉप कर लिया है। इसे हमें बिल्कुल ब्राउन नहीं करना है, जस्ट सौते करना है। नाउ सॉल्ट, ध्यान रहे हमें सोया सॉस भी डालना है, सॉल्ट उसमें भी होता है। ब्लैक पेपर 1/4 टीस्पून के तकरीबन। एंड नाउ ऐड करेंगे सॉसेस, चिली सॉस 1 टीस्पून, एंड टोमेटो सॉस 2 टीस्पून, विनेगर जस्ट 1/2 टीस्पून, एंड सोया सॉस 1 टीस्पून। सॉस भी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ज़्यादा तीखा पसंद है, ज़्यादा टैंगी, ज़्यादा सॉसी पसंद है, डिपेंड्स ऑन यू। जस्ट मिक्स इट, इसको हमें हाई फ्लेम पर थोड़ा सा मिक्स करेंगे। देखिए मंचूरियन भी दो तरीके से है, ड्राई भी ग्रेवी भी। आपको स्टार्टर में खाना है, यू कैन मेक लाइक दिस ड्राई वेज मंचूरियन। आपको मेन कोर्स में लेना है, यू कैन ऐड सम वाटर। यहाँ पे मैं बिल्कुल थोड़ा सा जस्ट 1/2 कप वाटर ऐड कर रही हूँ क्योंकि मुझे ड्राई मंचूरियन बनाना है। इस स्टेज पे अगर आपको ग्रेवी वाले चाहिए, जस्ट ऐड अराउंड 3 कप ऑफ वाटर। एंड इसमें आप फिर थोड़ा सा चॉप्ड वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हैं। एंड नाउ थिकनेस के लिए आई एम एडिंग 1 टीस्पून कॉर्नफ्लावर। जस्ट मिक्स इट। जो गार्लिक की स्मेल आती है ना सौते करते टाइम, अमेजिंग। देखिए सो ग्रेवी बिल्कुल मैंने थिक सी बनाई है क्योंकि ड्राई करने हैं हमें मंचूरियन को, ग्रेवी में नहीं ज़्यादा ग्रेवी में बनाने हैं। जस्ट मिक्स इट लाइक दिस। वाओ, लुकिंग सुपर्ब, आई एम जस्ट लविंग इट। एंड मैं सर्व कर रही हूँ इसे हक्का नूडल्स के साथ जो मैंने बनाए हैं। आप भी इसे चाहें तो ड्राई भी सर्व कर सकते हैं या विद नूडल्स और फ्राइड राइस। सो हियर वेज ड्राई मंचूरियन इज रेडी टू सर्व, बिल्कुल धुआंधार। एंड मेक श्योर कि आप बिल्कुल गर्मा गर्म सर्व करें, अगर ये ठंडे हो गए तो फिर जो क्रंचीनेस है वो चली जाएगी। देखिए पत्ता गोभी का जो आउटर लेयर थी मैंने उसे वेस्ट नहीं किया है, उसे सर्विंग में यूज़ किया है। जस्ट हम इसे प्लेट में निकालेंगे। ओह माय गॉड, आई एम गोइंग टू हैव दिस। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, जस्ट ट्राई दिस एंड शेयर कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। बच्चे भी बहुत पसंद करेंगे, बड़े भी, तो फटाफट से ट्राई करें ये धुआंधार रेसिपी। एंड ऑल्सो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जस्ट सब्सक्राइब माई चैनल फॉर अमेजिंग रेसिपीज। सो माई डिनर इज रेडी, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, जस्ट ट्राई इट। खुदा हाफिज़, टेक केयर, फिर मिलेंगे एक नई अमेजिंग एंड डेलिशियस रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़ एंड टेक केयर।